श्री कृष्ण ने जन्म का ये समय ही क्यों चुना? जन्माष्टमी के दिन आधी रात में कारागार के सभी ताले टूट गए। पहरेदारी में लगे सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। आसमान काले घने बादलों से घिर गया और रात को ठीक 12 बजे कारागार में माता देवकी ने भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने धरती पर अवतरित होने के लिए यही समय क्यों चुना? दरअसल हुआ यूं कि वासुदेव और देवकी के विवाह के बाद राजा कंस अपनी बहन देवकी को उनके ससुराल छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान बीच में भविष्यवाणी हुई कि वो देवकी की आठवीं संतान ही होगी जो कंस की मौत का कारण बनेगी। जैसे ही कंस ने ये सुना, उसने तुरंत ही अपनी बहन और बहनोई को कारागार में बंद कर दिया और एक एक कर बहन देवकी की पैदा हुई सभी संतानों को जान से मारने लगा। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र के जन्म की बारी आई तो न तो कंस के वो मायावी सुरक्षा कर्मी काम आए और ना ही कोई वासुदेव को उस कारागार से बाहर जाने से रोक पाया। और भगवान श्री कृष्ण रातों रात मथुरा से गोकुल पहुंच गए। और रही बात रात के 12 बजे अवतरित होने की, तो दोस्तों इसका सबसे पहला कारण जो शास्त्रों में मिलता है वो ये है कि चंद्रदेव ये चाहते थे कि श्री हरि जब भी धरती पर अवतरित हों उनके कुल में ही जन्म लें। एक बार उन्होंने भगवान विष्णु से कहा भी था कि हे भगवान श्री हरि, आप रामा अवतार में सूर्य वंश में जन्म ले चुके हैं, अब एक बार आप मेरे कुल में भी जन्म लें ताकि मैं भी आपके पूर्वज होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। और दोस्तों इसीलिए जिस तरह भगवान श्री राम सूर्यवंशी होने के कारण सूर्य के उजाले में जन्मे थे, उसी प्रकार चंद्रवंशी होने के कारण भगवान श्री कृष्ण आधी रात में जन्मे थे। साथ ही बताया जाता है कि बुध चंद्रदेव के पुत्र हैं, इसीलिए भगवान ने जन्म के लिए बुधवार का दिन चुना, जब रोहिणी चंद्रमा की पत्नी और नक्षत्र है। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्मे थे। वहीं अष्टमी तिथि को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और भगवान विष्णु इसी शक्ति के कारण पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। इसीलिए बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, क्योंकि ये वही समय है जब उनके सभी पूर्वज वहां उपस्थित थे। कहा जाता है कि जिस समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस वक्त वातावरण में एक अलग ही तरह की शक्ति का संचार हुआ था। आकाश में मौजूद सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत और सौम्य थे, दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न थी, काले आकाश में तारे जगमगा रहे थे, आधी रात में भी तालाब में कमल के फूल खिल गए थे। यही नहीं, देवता गण आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे। कहने को आधी रात थी लेकिन फिर पशु पक्षी खुशी से झूम रहे थे और जोर जोर से शोर मचा रहे थे। यही नहीं, आसमान में चमक रही बिजली और वर्षा इतनी तेज थी जैसे मानो वो श्री कृष्ण के आगमन का ही संदेश दे रही हो। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण चाहते तो दिन के किसी भी वक्त जन्म ले सकते थे, लेकिन आधी रात में जन्म लेने की दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो नहीं चाहते थे कि वो किसी अवतार की तरह इस धरती पर जन्म ले, बल्कि वो तो एक साधारण बालक की तरह जन्म लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने आधी रात का समय चुना, क्योंकि भगवान जानते थे आधी रात में कोई भी सैनिक जगा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से उनके पिता वासुदेव बिना किसी कठिनाई के उन्हें गोकुल पहुंचा सकेंगे और फिर उन्हें गोकुल छोड़कर पुनः कारागार वापस भी आ सकते हैं। क्योंकि अगर वो भूले से भी कारागार में रह जाते तो ये तय था कि कंस उन्हें भी मारने की कोशिश करता। हालांकि वो भगवान के अवतार थे, चाहते तो कंस की हर चाल से बच जाते, लेकिन वो कंस को ये संदेश देना चाहते थे कि तुम्हें मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। इसीलिए तो जब वासुदेव ने कृष्ण को गोकुल में रखा तो उन्हें ये आकाशवाणी मिली थी कि माता यशोदा के गर्भ में जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे लेकर आप कारागार जाएं, क्योंकि कंस तक ये खबर पहले ही पहुंच चुकी थी कि उसकी बहन देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दे दिया है। फिर क्या, आधी रात के समय जब वासुदेव उस कन्या को लेकर कारागार पहुंचे तो कंस इसी भ्रम में रहा कि देवकी के कोख से पैदा होने वाली 8वीं संतान एक कन्या ही है। और जब वो उसे मारने दौड़ा तो कन्या उसके हाथ से छूटकर आसमान में गई और आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, मैं तो माया हूँ, तुम्हें मुझे मारकर कुछ नहीं मिलेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। उसके बाद कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने की न जाने कितनी ही कोशिश की और न जाने कितनी ही बार गोकुल में भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए मायावी दानव भेजे, लेकिन श्री कृष्ण ने सबका संहार कर दिया और आखिर में कंस को उसके राजमहल में घुसकर पापों की सजा भी दी थी।